Sir, it's a pity that when we are discussing women and children, the times are limited. पता नहीं क्या हो रहा है इस हाउस में. मुझे बहुत से साल हो गए, मैंने बहुत बार बहुत से डिबेट सुने. लोग अच्छी कोई बात होती थी, अच्छा मुद्दा होता था, उसके ऊपर घंटों चर्चा किया करते थे. और अगर समय कम होता था डिस्कशन में तो वो कहते थे चलिए बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर आगे बात करेंगे. माय पर्सनल एक्सपीरियंस लेटली हैव बीन दैट वी हैव नॉट अलाउड एनी स्पेशल एंड वेरी वेरी सब्सटैंशियल डिस्कशन ऑन वीमेन एंड चिल्ड्रन. आई एम सो ग्लैड दैट वी आर डिस्कसिंग इट. तीन मिनट कोशिश करूंगी सर, अगर पूरा नहीं कर सकी तो आधा करके जो भी होगा मैं लिख के मंत्री जी को दे दूंगी. शी इज़ अ वेरी केपेबल पर्सन एंड आई थिंक दैट शी हैज़ ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ पॉइंट्स हियर. सो आई विल बी वेरी स्पेसिफिक सिंस आई डोंट हैव इनफ टाइम. यू हैव मेंशन्ड दैट अनीमिया अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम 6 months टू 59 months इज 69.4%. दैट्स आधी आबादी. और आपका जो रेट ऑफ अटेंडिंग टू दिस प्रॉब्लम इज 3% पर ईयर. 3%. हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर यू टू रियली बी इफेक्टिव एंड प्रोड्यूस अ जेनरेशन ऑफ हेल्दी चिल्ड्रन, नॉट स्टंटेड चिल्ड्रन? आई विल नॉट गो इन टू द डिटेल्स दैट other speakers are also going to go through. Sir, I think for this we need a very focused planning. देखा गया है कि ज्यादातर malnutrition women और child में या तो गरीब तबके के लोगों में होता है या कमजोर, और rural India में बहुत ज्यादा होता है, खास तौर से villages में, because there is not enough knowledge. और एक डिफरेंस भी है कि माँ जब रोटी देती है तो पहले बेटे को दो रोटी देगी, बेटी को एक रोटी देगी. तो इस तरह का जो माइंडसेट है दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैल न्यूट्रिशन. वी नीड टू एजुकेट मदर्स, वी नीड टू एजुकेट वुमेन. एंड आई थिंक वी नीड टू एजुकेट देम थ्रू वेरी थ्रू अ मेथड विच इज ईजिली अंडरस्टूड बाय देम. बिकॉज आज ज्यादातर जो महिलाएं हैं, जो माएँ हैं, दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ टू अंडरस्टैंड दीज हाई फंडा सिस्टम्स दैट वी आर यूजिंग. सो मंत्री जी, मुझे लगता है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. एक तो आपको इसे ग्राम पंचायत लेवल से शुरू करनी पड़ेगी कि यू नो दैट सो दैट दे कैन कम्युनिकेट. एंड I don't know, in 3 minutes there is so much to speak. But आप बहुत capable हैं. नहीं, mover first, एक first mover, first mover का जो नियम है माननीय मिश्रा जी, मैं वही कह रहा हूँ जो नियम आप सब लोगों ने बनाया जो वर्षों चल रहा है. जो नियम है मैं उसका आग्रह कर रहा हूँ. आप बोले जया जी, आप तो बहुत स्पष्ट और कैपेबल वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं भाई आप. आप बोले प्लीज सर. एंड द सेकंड पॉइंट, कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी सिस्टम. आई मस्ट टेल यू दैट बिफोर वी स्टार्टेड दिस डिस्कशन, कैकशा, विजया एंड आई सैट एंड वी स्पोक टू सम ऑफ द अदर वुमेन मेंबर्स ऑन दिस of this house, and we decided what one is going to say that we are so that we are not repetitive. मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स हैं वहाँ जब तक रेपिटेटिवली नहीं किया जाए वो बात घर नहीं करती. ये बार बार बोलना पड़ता है. घंटी बजी क्या? 4 मिनट. जी जी, सॉरी. हाँ सर, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी. आई थिंक दैट Children who have a stunted growth needs special care. Is the government going to provide a special system where these children grow out of this stunted growth period and develop into
good nationals, because tomorrow they are going to be the citizens. A lot of them are going to be sitting here. A lot of them are going to be leaders. They need a healthy body and a healthy mind to run a healthy country. The rest I will communicate to the minister. I will write to her and I will explain. Thank you, Jayaji. Thank you very much. Maniye Sadasyagan, ab chuki samay nahi reh gaya hai, isliye is par maniye Mantri ji ke jawab ke liye main unse kehta hu. Please, aap jawab. Please. Sir, main माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने पोषण अभियान के संदर्भ में अपनी चिंताओं को कृपया सदन में माननीय मंत्री जी का ही जवाब उनकी बात ही रिकॉर्ड पे जाए और सदन के माध्यम से पूरे राष्ट्र का ध्यान मेल नरिशमेंट की दृष्टि से ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया. आज कैकशा परवीन जी ने, विजिला जी ने, जया जी ने, मनोज झा ने, संपत्ति उइके जी ने, वीर सिंह जी ने, शांता चेट्री जी ने, सरोजिनी जैसे हमारे सम्मानित सांसदों ने इस विषय पर अपनी चिंता को व्यक्त किया और कुछ प्रश्न पूछे. रेड्डी जी ने अंत में जो प्रश्न पूछे उनका भी जवाब देने का मैं प्रयास करूंगी. सर्वप्रथम अमित जी ने इस बात की ओर हम सबका ध्यान आकृष्ट किया कि साइलो में कुपोषण की चुनौती से लड़ा नहीं जा सकता और वॉर फुटिंग पर अगर काम करना है इस संदर्भ में तो सभी मंत्रालयों के समन्वय से काम करने की दरकार है. मैं माननीय सांसद का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पोषण अभियान की शुरुआत की तो इस अभियान के पीछे ध्येय ये था कि समन्वय के माध्यम से न सिर्फ भारत सरकार के मंत्रालय बल्कि राज्य सरकारों के साथ साथ पंचायत के स्तर पर भी समन्वय से कुपोषण की समस्या पर हम समाधान देने का प्रयास करें. आपके माध्यम से मैं बतलाना चाहती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ट्राइबल अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, स्कूल एजुकेशन इत्यादि लगभग 15 मंत्रालय और नीति आयोग के साथ साथ समन्वय में भारत सरकार महिला और बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से इस पोषण अभियान के संदर्भ में काम करती है. जया जी ने आज इस चिंता को व्यक्त किया कि जिस रेट पर हम कुपोषण को और विशेष अनीबिया जैसे एक चुनौती को समाधान की दृष्टि से देखते हैं वो शायद पर एनम की दृष्टि से बहुत कम संख्या है. अनीमिया के इस चुनौती से समाधान तक पहुंचने में वर्षों वर्ष लग जाएंगे. नेशनल हेल्थ सर्वे के 2, 3 और 4 को देखते हुए किस टारगेट पर सेंटर और स्टेट पहुंच सकता है ये एक टारगेट, ये डेडलाइन पोषण अभियान में प्रदेश सरकारों के साथ बात करके टारगेट हमने सेट किया. लेकिन आपके माध्यम से मैं आदरणीय सांसद को बताना चाहूंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने T3 नाम की एक स्ट्रेटेजी विशेष अनीमिया के लिए काम में लाई है. टेस्ट, ट्रीट एंड टॉक. इसके अंतर्गत भले ही लक्ष्य 10 लाख तक का रखा गया था पोषण पखवाड़ा में मार्च के महीने में, लेकिन टोटल बच्चे जो हमने होम विजिट से कवर किए वो थे 48 लाख. और मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमें अवगत कराया है कि लगभग 1,96,000 कैंप्स अनीमिया के सिर्फ संदर्भ में पोषण पखवाड़ा में हमने किए. टारगेट था 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का, लेकिन लगभग 1,60,00,000 से ज़्यादा सिटीजन्स को हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विशेष सिर्फ अनीमिया के लिए एक पखवाड़ा में पहुँच पाए. ये भी सत्य है कि जब आप कन्वर्जेंस की दृष्टि से काम करने का प्रयास करते हैं तो पंचायती स्तर पर कैसे ये कन्वर्जेंस दिखता है उसके संदर्भ में मैं माननीय अमित जी को भी अवगत कराना चाहती हूँ कि हम विलेज लेवल पर हेल्थ, सैनिटेशन और न्यूट्रिशन डे को विशेष रूप से मनाने का प्रयास करते हैं जिसमें हम कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स करने का प्रयास करते हैं. अभी एक महीने पहले तक हम पिछले अगर 2-3 महीने का ही अगर कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स का आंकड़ा देखें सर तो 1,30,00,000 से ज़्यादा कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स हम लोग विलेज लेवल पर सिर्फ विलेज हेल्थ सैनिटेशन और न्यूट्रिशन डे के माध्यम से कर पाए हैं.
क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए दो तीन प्रमुख मुद्दों पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारी पश्चिम बंगाल की सांसद शांता जी ने विशेष सदन के माध्यम से मुझे अपील की कि क्या पश्चिम बंगाल के बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम नेशनल मॉड्यूल का हिस्सा बना सकते हैं। मैं माननीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूँ बड़ी गंभीर विषय के साथ कि पोषण अभियान को पश्चिम बंगाल ने अपनाने से इनकार किया है, और आज पश्चिम बंगाल में सर भारत सरकार आंगनवाड़ी सर्विसेज को और सशक्त करने के लिए स्मार्टफोन देने को तैयार है। 1,31,000 से ज़्यादा स्मार्टफोन के लिए पश्चिम बंगाल को पैसा दिया। इन्फेंटोमीटर ताकि बच्चे का वेट, उसकी हाइट, ये सब हम लोग वेइंग स्केल तक देने को तैयार हैं, लेकिन आज तक शांता जी एक भी प्रक्योर नहीं हो पाया है। मैं आपके माध्यम से, मैं प्रदेश की सरकार पर कोई तीखी टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर ये मानवीय काम हम मानते हैं तो सेंटर की ओर से 24,000 लाख हम लोग विशेष इन्हीं प्रोक्योरमेंट की दृष्टि से दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल तक आज तक सर एक भी रुपया खर्चा नहीं हो पाया। हम लोग स्टेट टू स्टेट सर मॉनिटर करते हैं कि खर्चे की दृष्टि से कैसे धरातल तक DBT स्कीम्स के माध्यम से कुपोषित बच्चे और माताओं तक पहुंचे। तो मेरा अपील है, हमारी सांसद जो पश्चिम बंगाल से, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कृपया पश्चिम बंगाल जैसी सरकारों से कहें कि वो इस राष्ट्रीय अभियान में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जुड़े, क्योंकि राजनीतिक हमारी दूरियां हो सकती हैं, विवाद हो सकता है, लेकिन मानवीय स्तर पर इस विषय को देखें। मैं इतना ही माध्यम से आपके माननीय सभापति जी कहना चाहती हूँ, आंगनबाड़ी की दृष्टि से झा साहब ने और विजिला जी ने विशेष ध्यान आकर्षित किया कि उसमें पैसे बढ़ाने की दरकार है। मैं झा साहब से और विजिला जी से आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, 2011-12 में 10,000 करोड़ था, मोदी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 19,000 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ आंगनबाड़ी सर्विसेज को और सशक्त करने का प्रावधान किया है, और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की दृष्टि से 8,000 करोड़ से ज़्यादा हम लोग ऑलरेडी पैसा इस वित्तीय वर्ष में नीचे दे चुके हैं। ये हमारा प्रयास है, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहूँगी कि सभी मंत्रालयों के साथ गत 3 दिन पहले ही समन्वय के माध्यम से पोषण अभियान में और सशक्त कैसे काम कर सकते हैं वो मीटिंग मैंने स्वयं की, और 2 दिन पहले सेक्रेटरी लेवल पर 17 राज्यों के साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, ताकि जो हमारी सप्लाई और मैनेजमेंट चेन है पंचायत स्तर तक वो कैसे और सशक्त हो सके, उसमें हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं। धन्यवाद मंत्री जी। संदर्भ आया इसलिए आप आज का विजला जी प्लीज नो नो सब अगेन कंसर्न विषय में आज सौजन्य से अखबार में एक फ्रंट पेज स्टोरी आया, स्कूल्स टर्न न्यूट्रिशन गार्डन्स इन मिजोरम डिस्ट्रिक्ट। यस सर। शशांक अला ओरेड कमिश्नर ऑफ डोंगटीवाला, वेयर ए फोर्थ ऑफ सम 170 विलेजेस रिमेन कट ऑफ ड्यूरिंग मानसून, so quality of fruits and vegetables are not available, 35% stunted, 23.3% underweight, 5.9 severely wasted, that's a report. So she said my school my farm, in every school backyard one farm activity to grow vegetables and fruits, that proved to be a good experiment according to the newspaper. Yes, report. Sir, just take note of it, that's all. Sir, with your kind permission, I'd just like to inform the house through your kind self, sir, that a special program is being taken by the Department of School Education to do this garden or kitchen kind of garden across all schools in the country. And secondly, sir, we are in conversation with the Ministry of Agriculture and Urban Affairs, because we see malnourishment also in urban areas for the urban poor, to ensure roof gardens with regards to nutrition. A prototype is being worked out with agriculture and with the Rural Development Ministry and Urban Affairs. Thank you.